नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है खिलौने वाला, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आज हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार किसी गली में एक खिलौने वाले के आने पर किसी बच्चे के मन में किस तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कविता की तरफ, जिसका नाम है खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा।